हे गाइस, दिस इज सूरज। आज मैं आप लोगों को अपने स्मार्टफोन से वीडियो स्टेबलाइज, एक सेकंड ये वाला वीडियो पहले स्टेबलाइज कर लेते हैं। ओके सो गाइस, आज मैं आप लोगों को चार ऐसे फ्री एंड्रॉइड ऐप्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप किसी भी स्मार्टफोन पे किसी भी तरह के वीडियो को बिल्कुल स्मूथली स्टेबलाइज कर सकते हैं। और वीडियो में आगे गाइस अपने ओपिनियन भी आप लोग से शेयर करूँ कि आपको अपने वीडियो के हिसाब से कौन सा स्टेबलाइजेशन ऐप यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले ऐप जो मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहूंगा गाइस, वो है सेकी वीडियो स्टेबलाइजर। इस ऐप से आप लोगों को इसका पर्पस समझ में आ जा रहा होगा। इसका ऐप का नाम ही ऐसा है कि आप लोगों को कुछ समझाना नहीं पड़ेगा मेरे को। ऐप ओपन करते साथ ही आपको इसका यूजर इंटरफेस काफी क्लीन सा नजर आता है, जिसमें आपको सामने ही दिख रहा होगा सेलेक्ट वीडियो। यहाँ से अपने सेकी वीडियो को सेलेक्ट करना है, जो कि मैं यहाँ से एक सेकेंड ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं गाइस ये किस तरह से सेक कर रहा है वीडियो। यहाँ सबसे पहले सेकीनेस आप डिजर्व कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा सेकीनेस आपके वीडियो में है। मैं यहाँ पे इसे एवरेज पे सेलेक्ट कर देता हूँ। एक्यूरेसी मैं आपको सजेस्ट करूँगा हाई पे रखिए, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद स्टेप साइज मैं जानता नहीं हूँ इसके बारे में, तो मैं आपको डिफॉल्ट छोड़ने को कहूँगा। स्मूथनेस में मैं आप लोगों को इसे 20% पे करने को कहूँगा। और जूम क्रॉप क्या होता है गाइस, स्टेबलाइज करते समय आपके फुटेज को थोड़ा क्रॉप किया जाता है सॉफ्टवेयर की तरफ से, जिससे वो जो हिलता हुआ फ्रेम होता है उसे डिटेक्ट कर दिया जाता है और वीडियो आपको स्टेबलाइज लगता है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि क्या आपने वीडियो को क्रॉप करके स्टेबलाइज करना चाहते हैं या बिना क्रॉप किए करना चाहते हैं। तो आप क्रॉप पे टैप कर सकते हैं, वरना मैं आप लोगों को कहूँगा कि इसी तरह छोड़ देते हैं। ये स्टार्ट हो गया, एनालाइज होने में थोड़ा टाइम लेता है, बट उसके बाद आपको रिजल्ट काफ़ी सही देखने को मिलेगा। तो वेट कर लेते हैं हम लोग थोड़ा। सो एज यू कैन सी गाइस, स्टेबलाइज्ड हो चुका है। और ऊपर में आप लोगों को दिख रहा होगा वो पहले का फुटेज, और नीचे में आप लोगों को स्टेबलाइज फुटेज दिख रहा होगा, जिसमें आप लोगों को डिफरेंस काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये वीडियो स्टेबलाइजर कितने आपके काम का है। दूसरा वाला एप्लीकेशन हमारा बहुत ही नामी और दामी एप्लीकेशन है गाइस। नामी मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये बहुत ही फेमस है, आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा। दामी इसलिए क्योंकि ये प्रो वर्जन में ये वाला फीचर अवेलेबल है। बट आप सभी को पता है गूगल पे सर्च करने से सभी चीज़ों का प्रो का फ्री वर्जन भी मिलता है, बट मैं प्रोसेस नहीं बताने वाला, आप लोग थोड़ा समझदार है मैं जानता हूँ। सो गाइस, ऐप ओपन करते साथ ही ये यूजर इंटरफेस आपको दिखेगा। सबसे पहले यहाँ से अपने वीडियो को सिलेक्ट करना है, आपका पोर्ट्रेट वीडियो है या लैंडस्केप वीडियो है। वीडियो को टाइमलाइन पे लाने के बाद इस तरह से टैप करके इस पेंसिल के आइकन पे टैप करने से गाइस आप लोगों को सारे वीडियो एडिटिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें इतने सारे फीचर्स हैं गाइस कि आप थोड़े देर के लिए ना काइन मास्टर भी भूल जाइएगा, बट थोड़ी देर के लिए बहुत ही एडवांस फीचर डाला गया है पावर डायरेक्टर ने, बट उसमें जाते नहीं है, किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बट यहाँ अगर आप स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पे आपको स्टेबलाइजर का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद बहुत ही फास्ट ये आपके वीडियो को स्टेबलाइज कर देगा। ये वाला फीचर मेरे को इसका बहुत ही अच्छा लगा, वरना दूसरे ऐप में थोड़ा टाइम ले लेता है। और यहाँ जो आप देख सकते हैं ना, ये वाला जो आपको स्लाइडर दिख रहा है, इससे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं कि अपने वीडियो को आपको कितना ज़्यादा स्टेबलाइज करना है। 100% कर दीजिए तो थोड़ा ज़्यादा क्रॉप हो जाएगा। अगर मैं इसे 100 पे कर देता हूँ तो उसके बाद आप देखिए कैसा वीडियो स्टेबलाइज हुआ है। सो गाइस देख सकते हैं, 100 पे करने के बाद वीडियो को बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज कर दिया है, बट हल्का फुल्का आपको बबल इफेक्ट देखने को मिल जाएगा इतना ज़्यादा स्टेबलाइज करने से। इसलिए मैं आप लोगों को 70% 60% सजेस्ट करूँगा कि आप अपने वीडियो को स्टेबलाइज करिए। और यहाँ से आप रिमूव अगर करते हैं ना, उसके बाद मैं आप लोग को ये वीडियो अगर प्ले करके दिखाऊं तो आपको थोड़ा शॉक होगा, बहुत ही ज्यादा जर्क है गाइस इसमें, बहुत ही खड़ा खड़ा जर्क है, जिसे स्टेबलाइज करने में चमाला। और इसका दूसरा खास बात मुझे गाइस ये लगा कि आपके वीडियो को स्टेबलाइज करने के बाद उसका क्वालिटी जो है हल्का सा भी डिग्रेड नहीं करेगा, जो कि इसका बहुत ही अच्छा फीचर है। वरना वीडियो स्टेबलाइज करने के बाद क्वालिटी अगर डिग्रेड हो जाए तो फिर मजा खराब हो जाता है, मैं समझता हूँ। तो उसके बाद अब चलते हैं हमारे थर्ड एप्लीकेशन पे, जो कि आपके फ़ोन में इनबिल्ट है गाइस। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो गूगल फोटोज़ आपके फ़ोन में पहले से होगा। गूगल फोटोज़ ओपन करने के बाद गाइस अपने वीडियो को इस तरह से ओपन करना। वीडियो को ओपन करने के बाद नीचे में आप लोग को एडिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर टैप करना, आपको दो तीन ऑप्शन दिख जाएगा, जिसमें से सबसे पहले वाले ऑप्शन में आप लोग को वो फीचर देखने को मिलेगा स्टेबलाइज्ड का। यहाँ देख सकते हैं वीडियो वाले सेक्शन में मैं हूँ, क्रॉप है, यहाँ से एडजस्टमेंट आप कलर वलर चेंज कर सकते हैं, बट अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। बट अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये वाला फीचर, देख सकते हैं यहाँ पे स्टेबलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, और ये थोड़ा देर लगेगा वीडियो के हिसाब से, जितना लंबा आपका वीडियो है उस हिसाब से ये स्टेबलाइज करेगा और आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा बहुत ही। सो गाइस देख सकते हैं वीडियो कितना ज़्यादा स्टेबलाइज हो चुका है, और इसमें भी आपके वीडियो के क्वालिटी को बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं किया जाता। आपको पता ही होगा गूगल फोटोज़ में ये सब नहीं किया जाता है। तो यहाँ से स्टेबलाइज करने के बाद जस्ट आपको सेव कॉपी करना है,
और आपका वीडियो स्टेबलाइज होकर सेव हो जाएगा। तो ये तीन एप्लीकेशन मेरे को सबसे बेस्ट लगता है गाइस वीडियो स्टेबलाइज करने के लिए। लास्ट में एक माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से है भाई, माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से, इसलिए मैं इस वीडियो में इसे इंक्लूड कर दे रहा हूँ, वरना इसका रिजल्ट मेरे को खासकर पर्सनली बताऊँ तो पसंद नहीं है। वीडियो को स्टेबलाइज करने के बाद उसके पीछे एक वाटर मार्क भी दे देता है। ऐप ओपन करने के बाद जस्ट आपको इम्पोर्ट पर टैप करना है। इम्पोर्ट पर टैप करके अपने फाइल से वीडियो को सेलेक्ट करना है। पहले मैं एक वीडियो ले लेता हूँ। ओके, देख सकते हैं गाइस ये मैं साइकिल चलाते हुए मैंने कैप्चर किया था और इसे मैं इस तरह से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो ये बहुत जल्दी हो जाता है, बट आपको थोड़ा रिजल्ट में क्वालिटी डिग्रेड देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से आप इसे स्पीड कर सकते हैं या स्लो में ही स्टेबलाइज्ड कर सकते हैं, या आपको हाइपरलैप्स क्रिएट करना है तो भी आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें दो तीन अलग अलग टाइप का फीचर है स्टेबलाइजेशन को लेके, हाइपरलैप्स क्रिएट करना है इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। बट अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बताऊं गाइस, अगर आपको अपने वीडियो में अलग अलग तरह से कस्टमाइजेशन करना है, कुछ पर्सनल रिक्वायरमेंट है आपके वीडियो में, तब मैं आप लोगों को सेकी वीडियो स्टेबलाइजर सजेस्ट करूंगा। अगर आपको हल्का सा क्वालिटी डिग्रेड करना चलेगा बट वीडियो स्मूथ होना चाहिए तो आप सेकी वीडियो स्टेबलाइजर को यूज़ करिए। या आपको अपने वीडियो में क्वालिटी बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं करना है और वीडियो एडिट करने के बाद, नॉर्मली बताऊँ तो वीडियो को स्टेबलाइज करने के बाद उसे कहीं अच्छे जगह यूज़ करेगा, कोई वीडियो में लगाएगा, कोई सिनेमेटिक पार्ट में यूज़ करेगा, तो वीडियो आगे और भी एडिट करना पड़ता है, सिर्फ स्टेबलाइज करने से वीडियो एडिट नहीं हो जाता। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा पावर डायरेक्टर गाइस, वीडियो उसी में स्टेबलाइज कर लीजिए। स्टेबलाइज करने के बाद टन्स ऑफ फीचर है। और अगर आपके फ़ोन में स्पेस नहीं है, ये सब थर्ड पार्टी ऐप आपको पसंद नहीं है, तो अपने गूगल फोटो से स्टेबलाइज करिए, बहुत ही अच्छा स्टेबलाइज करता है। कलर करेक्शन भी उसमें आप कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा क्रॉप व्रॉप भी वीडियो कर लीजिए, आपका बेसिक सा काम हो जाएगा। वीडियो को स्टेटस में लगाना है अगर सिर्फ स्टेबलाइज करके, तो गूगल फोटो जैसा ऐप आपके लिए बेस्ट है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एसडी फ्रिक 2.0। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। दिस इज मी सूरज फ्रॉम एसडी फ्रिक एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।